आगरा में 17 शस्त्र दुकानों के निरस्तीकरण की रिपोर्ट डीएम को भेजी गई। इन दुकानों में 86,271 कारतूस का हिसाब नहीं मिला था। शस्त्र धारकों ने दुकानों से कारतूस खरीदे, कहां चला दिए लेकिन पता नहीं चले। पुलिस ने जब सवाल जवाब किए तो पता चला कि ये हर्ष फायरिंग थी। कारतूस घोटाले में कार्रवाई की तलवार अब शस्त्र विक्रेताओं पर भी लटक गई है। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि कारतूस विक्रेता नियमों का पालन नहीं करते। 17 दुकानों के लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट डीएम को भेजी गई। आगरा में 47,000 लाइसेंसी शस्त्र हैं। पुलिस ने 910 उन शस्त्र धारकों को जांच के लिए चिन्हित किया। जिला प्रशासन की तरफ से हमें कोई अभी तक ऐसा नोटिस इशू नहीं हुआ है। और जो ये कहते हैं कि आधार कार्ड की फोटोशीट के बारे में भी हमें ना डीएम साहब से ना कहीं से हमें ऐसा कुछ नहीं प्राप्त हुआ कि जो हम आधार कार्ड की फोटोशीट जमा कराते हैं। हम कारतूस देते थे तो खाली खोके जमा करा करके देते थे। 80% कारतूस के खोके जमा करा के उनको कारतूस देते थे। इस तरह से संज्ञान में आया है कि पूर्व में तो कारतूसों की संख्या न बता पाने के कारण एक पुलिस आख्या प्राप्त हुई थी, जिसमें शस्त्र धारकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निरस्तीकरण की आख्या प्राप्त हुई है, जिन पर नोटिस जारी करके और उनका शस्त्र जमा कराया जा रहा है, जिनका सुनवाई के उपरांत अंतिम निर्णय किया जाए। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।